बान चीट हर जगह यही दिखेंगे लोग। गाँव में यही प्रॉब्लम है कि एक चीज़ ना मिले तो दूसरी तरफ जाना पड़ता है। तो ये मिल चुकी है एक दानी। मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, अरे देखो स्टार्ट भी हो गए, सब खाने पे लग गए, सब ने खा लिया। मम्मी ये देख प्लेट चाटने में माहिर, ये प्लेट चाटना जो ही नहीं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। पता नहीं क्यों खटाई खा के ऐसा लग रहा जैसे कि हमने दिन का लंच कर लिया, पेट भर गया। वेंकट शुरू हो चुका है एक नया दिन, और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग से। और आज का जो ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वो अपने घर से ही कर रहा हूँ। मम्मी तो चली गई खेतों में सुबह सुबह, क्योंकि आजकल आपको पता होगा खेतों के काम शुरू हो चुके हैं और खेतों को खाली करना होता है। खेत एकदम फुल भरे हुए हैं घास से, और जो साइड साइड का सूखा घास है वो तो हमने काट ही लिया था। इसी के साथ कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो आपको पता है मेरा नाम अंकुश, मेरे गाँव का नाम है चुपड़ियाल गाँव, जो पड़ता है टीरगढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के चंबा ब्लॉक में। तो शुरू करते आज का दिन और देखते कि आज के दिन में और क्या क्या हो पाता है। हमारा सिर्फ एकमात्र घर यही है जिसमें पठाली लगी है, मतलब जो पत्थरों का बना हुआ है ऊपर से। ये तो हर किसी की छत पक्की है, इसी में इसीलिए हम आप देख रहे होंगे यहाँ आग जलाते हैं, और आग भी बुझ गई है। और ये है कनस्तर, इसमें हम पानी रखते हैं भैंस के लिए। मोस्टली इस कमरे का यूज हम आग जलाने के लिए करते हैं। और चलिए अब मैं भी नाश्ता करता हूँ और सारे काम है, फिर आपसे मिलते हैं। साढ़े दस बज चुके हैं, लेकिन धूप देखिए अभी भी ढंग से नहीं आए। आगे सड़क भी देखिए हमारे गांव की ऐसी है, मतलब यहाँ भी धूप बहुत लेट आती है क्योंकि पेड़ हो गए ना काफ़ी ज़्यादा। एक दो जाने पे यक। तो आज हम जा रहे हैं नीचे खेत में, मैं तो नहीं जा रहा, ये यही जा रही, जा मैं भी रहा हूँ लेकिन काम इसी का है। और किस लिए जा रहे पिल्टा? चारा होता है ना भैंस के लिए, बिछाने के काम आता है जो, तो वो चीड़ की जो पत्तियाँ होती है उसको लाते हैं अब इस टाइम पे, क्योंकि भैंस के नीचे बिछाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। कि कहीं जा रही है, कह रही मेरे साथ चल, क्योंकि इस साइड जंगल है, थोड़ा डर भी है, खतरा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ उसके साथ। और उसके बाद जाऊँगा मैं उधर, कुछ काम है दूसरे गाँव में, मतलब गाँव अपना ही है लेकिन दूसरी साइड है ना इस वजह से। तो चलो चलते अब देखते हैं कहाँ पर पिंटा। तो ये होता है चीड़ देखिए, और इसकी पत्तियाँ होती है जब सूख जाती है ना तो ऐसे नीचे गिर जाती है, तो सूखने के बाद कुछ इस तरह के ऐसे दिखती हैं ये, और इन्हीं को इकट्ठा कर रही है बहन। पहाड़ों में मोस्टली आपको दो पेड़ सबसे ज़्यादा दिखेंगे, एक चीड़ का और दूसरा बांज का, मतलब सबसे ज़्यादा यही रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड़ हैं लेकिन दो सबसे मेन यही हैं। और यहाँ पर भी देखिए आप, ये चीड़ का एक बांझ का, ये चीड़ का एक बांझ का, बांझ चीड़ हर जगह यही दिखेंगे लग। उठाते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस थोड़ा सा तो मैंने इकट्ठा कर लिया है, और मेरे हाथ में दर्द हो चुका है, इसलिए मैंने इसको बोला कि थोड़ा तू इकट्ठा कर, ये लगा है बेचारा आपका काम करने में। काफ़ी ज़्यादा हार्ड है क्योंकि ये घासों के एकदम बीच में है ना, इसकी वजह से ऐसे दस्तरी से पूरा खींचना पड़ रहा है, तब जाके देखिए ऐसा आ रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा। इतना सा किया मैंने अभी इकट्ठा, तो अभी और निकालते हैं। पहली बार कर रहा हूं अपनी लाइफ में। नहीं, जिस टाइम हम छोटे थे उस टाइम जाते थे, लेकिन उस टाइम मैंने कभी ऐसे चारा नहीं उठाया, कभी भी घास भले काटा था पहले लेकिन ऐसे काम नहीं किया, लेकिन आज ये भी कर लिया। इसके कुर्रे लग चुके हैं, उतना मैंने काम नहीं किया उसकी वजह से, देखिए ये कांटे लग गए, और इतने भयंकर होते हैं ना देखिए, ये सबसे गंदे वाले कांटे होते हैं देखिए, मतलब आप खुद देखिए ना ऐसे होते हैं। अरे चुभते हैं ना जब ऐसे लोअर में या फिर स्वेटर में, तो चुभने के बाद बहुत ज़्यादा इनमें चुभते हैं अंदर बॉडी पे, इतना भयंकर नुकीले होते हैं ना। अरे देखिए सारे लोअर पे लगते हैं। अब मैं ये काम छोड़ के ये करूँगा, पहले इनको निकालूँ। बहुत कर लिया तूने, बहुत।
पहुंच चुके हैं हम सड़क में, ना चारे भी ला चुके हैं। अभी यहाँ से जाएगी घर उस साइड और मैं जाऊँगा यहाँ से लेफ्ट को। तो बिंदी तो चली गई घर और मुझे जाना है अपने बीच वाले गांव में, क्योंकि वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने हैं मुझे। और गांव में यही प्रॉब्लम है कि एक चीज़ ना मिले तो दूसरी तरफ जाना पड़ता है और बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो चलो चलते हैं, मुझे तो इतने में सांस फूल गई क्योंकि हम नीचे से आ रहे हैं ना एकदम हाइट पे, इसकी वजह से थोड़ा सांस भी फूल गई। आज मौसम भी अच्छा है और धूप भी अच्छी आ रखी है। तो अभी जो टाइम हो रहा है दिन के लगभग 12:30 बज रहे होंगे इतने आसपास। और अभी भी देखिए हमारे छत में धूप, देखिए आधे छत में है आधे में नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था जो हमारे छत है उसमें धूप बहुत ज़्यादा लेट आती है। इस मौसम में आज मन कर रहा है खटाई खाने का, हमारी खुद की खटाई तो नहीं है लेकिन एक यहाँ पे माल्टे का पेड़ है, ये देख रहे होंगे आप सामने। और इसमें थोड़ा बहुत लगे थे, वो कुछ अंजलि दीदी लोग ले गए थे, लेकिन थोड़ा बहुत हैं साइज से, नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, हमारे अंदर हैं थोड़ा बहुत रखे। तो आज खटाई बनाने वाले हैं हम। अभी मम्मी आने वाली है थोड़ी देर बाद घास लेके, बहन लोग भी हैं, दादी भी है, तो 3-4 हैं हम। तो खटाई बनाते आज। तो यहाँ पे लग गई एक कटिंग होने हमारे इन माल्टा की, माल्टा ही है, खटाई तो दूसरी होती है, खटाई को पूरा छीलना पड़ता है। और कुछ इस पेड़ पे भी होंगे लगे, देखते हैं तो ढूंढते हैं। पहले एक बड़ा सा दिख गया है, तो ये मिल चुकी है एक दानी। मम्मी भी आ गई है, बहुत है। तो इतने लगभग बहुत हैं, एक थाली भर ली हमने। और अब इनको सबसे पहले इनके छिलके अलग करेंगे और फिर बनाएंगे। ये लेके जाते हैं धनिया, क्योंकि उससे खटाई में और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो एक घूम के बैठ चुकी है ठंडे में, तो क्यों बैठी, रीजन क्या था? इसलिए था कि जब धूप पड़ती है ना खटाई में तो कड़वी हो जाती है। चलो मैं धनिया भी ला गया खेत से। इसको इसीलिए हम ठंडे में बना रहे हैं क्योंकि इस धूप में बनाने से खराब सा हो जाता है। इस लगभग काट के आधा छील के और कंप्लीट हो ही चुका। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक और क्या क्या डालेंगे, धनिया भी मैं ला चुका हूँ और मलाई भी डाली, मलाई और पीसा हुआ जीरा, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है वो डालेंगे और फिर बनेगा मस्त खटाई। तो ये हमारी चीनी और मलाई, ये हमारा भुना हुआ जीरा और ये है धनिया और ये है साथ में खटाई। तो ये सभी चीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब इनको मिलाएंगे और फिर बनेगी हमारी मस्त खटाई। दादी की जीभ वहाँ पे लप लप कर रही है, मेरी कर रही है, क्योंकि पूरे एक साल बाद आज मैं ढंग से खटाई खाने वाला हूँ। पिछली बार के बाद बीच में खाई थी मैंने थोड़ा सा एक बार, वो भी इन्होंने बनाई थी, एक दिन से बना रहे ना। हाँ माल्टा थोड़ा मीठे, खटाई एकदम बहुत खट्टी होती, मतलब आप मुंह पे रखोगे ना तो खाई नहीं जाती बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए हल्का सा पका हुआ तेल डालेंगे, अगर कच्चा तेल डालोगे तो कच्चे तेल की थोड़ा बदबू सी आती है, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता तेल, लेकिन ये मम्मी जबरदस्ती डलवा रही। तेल बढ़िया नहीं होता, बड़े तेल की हल्की सी स्मेल आती है ना वो बेकार लगती है, लेकिन ये पका हुआ इसलिए अच्छा है। तो ये चारों के लिए बंटवारा हो चुका है, तो अब खाएंगे हम स्वादिष्ट। ये मैंने तो अब स्टार्ट भी नहीं किया, अरे देखो स्टार्ट भी हो गए, सब खाने पे लग गए। और मैं सबसे पीछे रहता हूँ क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले वो आपको दिखाना है कि हम कैसे कैसे क्या चीज़ कर रहे हैं। ये देखो पीछे से भैंस भी कर रहा हूँ, तरस रहा बेचारा, उसको भी देना था हमने। खूब है दाज, खूब है मेरे बनाए हाँ। चलो मैं भी करता हूँ टेस्ट, देखते कैसे बना। बहुत बड़ी, सब ने खा लिया, मम्मी ये देख प्लेट चाटने में माहिर, ये प्लेट चाटना जो ही नहीं ज्यादा टेस्टी हुआ, बहुत ज्यादा टेस्टी हुआ। ये भी चाट लिया, तुम चाट मैं तो सीधे गाड़ पहुंचा को लाने
पता नहीं क्यों खटाई खा के ऐसा लग रहा जैसे कि हमने दिन का लंच कर लिया हो, पेट भर गया भयंकर, जबकि इतना सा खाया तभी भी। मैंने सबसे लेट खाना शुरू किया था और सबसे जल्दी खा लिया। अरे देखो अभी भी थोकला चाटने पर लगे हुए हैं, थाली चाटने पर लगे हुए हैं मतलब, और मस्त धूप भी आ रखी है। और अब टाइम आ चुका है दिन का लंच करने का। आज खाने में भी अच्छी चीज़ है मतलब आलू का थचवाणी जो कि बहुत टेस्टी होता है, और वो खाते हैं आपसे उसके बाद मिलते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में।